प्रश्न, मैं रमजान का रोजा रखता हूँ लेकिन नमाज नहीं पढ़ता हूँ, तो क्या मेरा रोजा शुद्ध होगा? उत्तर, हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। नमाज छोड़ने के साथ रमजान का रोजा बल्कि कोई भी कार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि नमाज का छोड़ देना कुफ्र है। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आदमी के बीच और शिर्क तथा कुफ्र के बीच अंतर नमाज का छोड़ देना है। इसे मुस्लिम हदीस संख्या 82 ने रिवायत किया है। और काफिर से कोई कार्य कबूल नहीं किया जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला का कथन है, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, अर्थात हम बढ़ेंगे उस कर्म की ओर जो उन्होंने किया होगा और उसे उड़ती धूल कर देंगे। और अल्लाह सर्वशक्तिमान का फरमान है, لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, अर्थात यदि आपने भी शिर्क किया यानी अल्लाह के साथ किसी को साझीदार बनाया तो आपका कार्य नष्ट हो जाएगा और अवश्य आप घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तथा बुखारी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है कि आपने फरमाया, जिसने असर की नमाज को छोड़ दिया उसका कार्य नष्ट हो गया। इसे बुखारी हदीस संख्या 553 ने रिवायत किया है। और उसका कार्य नष्ट हो गया का अर्थ यह है कि वो व्यर्थ हो गया, उसने उससे कोई लाभ नहीं उठाया। तो यह हदीस इस बात को दर्शाती है कि नमाज छोड़ने वाले से अल्लाह ताला कोई कार्य स्वीकार नहीं करेगा। अतः नमाज छोड़ने वाला अपने कार्य से कुछ भी लाभ नहीं उठाएगा और न तो उसका कोई कार्य अल्लाह की ओर ऊपर चढ़ेगा। इब्नुल कय्यिम इस हदीस के अर्थ के बारे में कहते हैं कि जो बात हदीस से जाहिर होती है वो यह है कि नमाज छोड़ना दो प्रकार का है, एक यह कि उसे पूर्ण रूप से छोड़ देना और कभी भी नमाज न पढ़ना, तो ऐसे व्यक्ति का सभी कार्य नष्ट हो जाएगा। दूसरा प्रकार किसी निर्धारित दिन में निर्धारित नमाज को छोड़ना है, तो इससे उस दिन का कार्य नष्ट होगा। तो सामान्य रूप से अमल का नष्ट होना सामान्य रूप से नमाज को छोड़ने के मुकाबले में है, और निर्धारित कार्य का नष्ट होना निर्धारित नमाज छोड़ने के मुकाबले में है। अतः प्रश्न करने वाली महिला के लिए हमारी नसीहत यह है कि वो अल्लाह से पश्चाताप करे और अल्लाह के हक में उसने जो कोताही की है और अपने आप को अल्लाह के क्रोध, उसके प्रकोप और नाराज़गी से दोचार किया है, इन सब पर शर्मिंदा हो और पछतावा करे। और अल्लाह ताला अपने तौबा करने वाले बंदों की तौबा को स्वीकार करता है, उसके पाप को क्षमा कर देता है, बल्कि अल्लाह सर्वशक्तिमान उससे अत्यंत खुश होता है। तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा करने वाले को अपने इस कथन के द्वारा शुभ सूचना दी है कि गुनाह से तौबा करने वाला उस व्यक्ति के समान है जिसने कोई पाप न किया हो। इसे इब्ने माजा हदीस संख्या 4250 ने रिवायत किया है और सही इब्ने माजा हदीस संख्या 3424 में अल्बानी ने इसे हसन कहा है। तथा उसे चाहिए कि वो स्नान करने और नमाज पढ़ने में पहल करे ताकि वो जाहिरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता दोनों को एक साथ प्राप्त कर सके, तथा तौबा को विलंबित ना करे और यह ना कहे कि मैं कल तौबा करूंगी या कल के बाद परसों तौबा कर लूंगी, क्योंकि इंसान को पता नहीं कि मौत उसके पास कब आ जाए। उसे इससे पहले कि पछताना कोई लाभ ना दे अल्लाह से तौबा कर लेना चाहिए, जैसा कि अल्लाह का फरमान है, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا, अर्थात उस दिन अत्याचारी अपने हाथ चबाएगा, कहेगा, ए काश मैंने रसूल के साथ मार्ग अपनाया होता, हाय मेरा दुर्भाग्य, काश मैंने अमुक व्यक्ति को मित्र न बनाया होता, उसने मुझे भटका कर जिक्र से विमुख कर दिया, इसके पश्चात कि वह मेरे पास आ चुकी थी, शैतान तो समय पर मनुष्य का साथ छोड़ ही देता है।